आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं इंस्टाग्राम पे ऑफलाइन कैसे हो सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन होते हैं उसको ऑफलाइन होना चाहते हैं तो होना काफ़ी ज़्यादा आसान है। बस हमारे इस वीडियो के स्टेप बाय स्टेप देखते रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेगा। अगर आप अपने व्हाट्सएप पर ग्रीन टिक जो होता है इंस्टाग्राम पर वो हटाना चाहते हैं तो उसका भी हटाना, लास्ट आपने ऑनलाइन को हाइड करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहेगा। देखने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम को यहाँ ओपन करना है। जैसे ही ओपन कर देते हैं काफ़ी सारे यहाँ आइकन आपको देखने को मिल जाता होगा, यहाँ आपको रील देखने को मिल जाता होगा। जस्ट आपको प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक करते आपको थ्री लाइन का एक ऑप्शन मिलेगा कॉर्नर पर। जस्ट थ्री लाइन को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का एक आइकन मिलेगा, काफ़ी सारा सेटिंग मिलेगा। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ काफ़ी सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। एक आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है एसिबिलिटी, एसिबिलिटी को अपना ओपन कर लेना है। यहाँ एसिबिलिटी को ओपन करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाई। यहाँ देख सकते हैं मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाई का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जस्ट उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं जस्ट आपको सबसे नीचे के जस्ट ऊपर ही देखते हैं तो सो एक्टिविटी स्टेटस आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। जस्ट उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देते आपको ये जो भी आपका सेटिंग होगा यहाँ से इनेबल होगा, जस्ट इसको आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। जैसे ही ऑफ कर देते जो भी आपका ग्रीन टिक है जो आप ऑनलाइन होते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ हाइड हो जाएगा। ऐसे ही अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम को जो ऑनलाइन होते हुए हाइड हो सकते हैं, ग्रीन टिक भी यहाँ से ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसे ही अपने अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेगा, हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।